तो हुआ ऐसा कि इमाम खुमैनी जब आ गए ईरान में तो उन्होंने कहा कि आप फिल्में बंद नहीं होंगी बननी, बल्कि फिल्में बदल जाएंगी। और ईरान बहुत आगे चला गया। मैंने ईरान की फिल्में तो बहुत ज़माने से देख रहा हूँ। और जब पहला फेस्टिवल होना था हमारा नेफडिक का, तो हमें 8 फिल्में देखनी थी सेंसर बोर्ड में जाके। तो जाने से पहले जब मैं जा रहा था, मेरा मतलब है नेफडिक ने जो हमें गाड़ी दी सुजुकी के, भाई आप सेंसर बोर्ड जाइए, तो मेरा ख्याल था इसमें तो एक तो इस्लाम का प्रोपेगेंडा होगा, इसलिए कि इमाम खुमैनी का आ चुका हुआ था पीरियड, और दूसरा ये इराक वॉर के अगेंस्ट होगी फिल्में। और जब मैंने फिल्में देखी तो उसमें कुछ भी नहीं था, ना तो इस्लाम का प्रोपेगेंडा था और ना ही इराक के अगेंस्ट वॉर थी। ये एक बच्चे की कहानी थी, एक टीचर की कहानी थी, एक खातून की कहानी थी, एक माली की कहानी थी, एक करप्ट सियासतदान की कहानी थी। और मुझे बड़ी हैरानी हुई। और फिर मैंने जब थोड़ा सा एक्सप्लोर किया इसको कि ये कैसे हुआ, तो हुआ ऐसा कि इमाम खुमैनी जब आ गए ईरान में तो उन्होंने कहा कि आप फिल्में बंद नहीं होंगी बननी, बल्कि फिल्में बदल जाएंगी, और मकसद के साथ आप फिल्में बनाइए। और उन्होंने बहुत सारे फिल्म मेकर्स को फ्रांस भेजा, वो ख़ुद भी फ्रांस में ही थे ईरान आने से पहले। और इन फिल्म मेकर्स ने 3-3 महीने का, 4-4 महीने का, इवन चंद हफ्तों का कोर्स किया, जिसे रिफ्रेशिंग कोर्स कहते हैं, यू नो, स्क्रिप्ट राइटिंग में, डायरेक्शन में, एडिटिंग में, स्क्रिप्ट में, और उसमें प्रोडक्शन में, और ऑब्वियसली टेक्निकल फील्ड जो हैं आर्ट डायरेक्शन वगैरह, लेकिन बेसिकली स्क्रिप्ट में। और फिर ये इन्होंने ये फिल्में बनाई, गुल हाय दाऊदी और सेनेटर, दो किरदारों की कहानी थी। एक अपना नाबीना है हमारा यंगस्टर, और ख़ातून जो हैं वो शायद सुन नहीं सकती, तो इनकी एक कहानी थी। और फिर मैं ईरान की फिल्में देखता रहा और बहुत देखी हमने, बहुत फेस्टिवल्स किए, लिटरली बीसियों फेस्टिवल्स किए हमने अपने नेफडिक में, और अभी यहाँ PNCA में भी कर रहे हैं। तो ईरान की फिल्में मेरे बहुत करीब हैं, और बहुत उन्होंने बहुत मनाजिल तय किए हैं इन सालों में। और शायद दुनिया की बेहतरीन फिल्में जो हैं वो ईरान में बनती हैं। और दुनिया का कोई मेजर फेस्टिवल, कांस है राइट, जो अपना फ्रांस में होता है मई के महीने में, या अपना बर्लिन है जर्मनी में होता है, या वेनिस है इटली में होता है, या और पुसान है साउथ कोरिया में होता है, और बहुत से बीसियों फेस्टिवल्स हैं। ईरान की फिल्म लाजमी है उस फेस्टिवल में जाना, और ईरान की फिल्म को अवार्ड देना भी लाजमी है, मिलती है, वो क्वालिफाई करती है वो अवार्ड के लिए। और एक ज़माने में फिल्म के डायरेक्टर्स, फिल्म के एक्टर्स, फिल्म के प्रोड्यूसर्स जाते थे, अब ख़वातीन भी जाती हैं, ख़वातीन फिल्में डायरेक्ट कर रही हैं। चुनांचे ईरान में बड़ी तब्दीली आई है, और मैं बहुत मुतासर हूँ ईरान की फिल्मों से।